नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश का दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर, बोले डिप्टी सीएम की कुर्सी में कुछ नहीं रखा, 100 विधायक लेकर आए, सीएम बना देंगे। अखिलेश ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा समर्थन में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पुलिस के नारे लगना शर्मनाक है, जिनसे हमें लड़ना पड़ रहा है वो न संविधान मानते हैं न कानून। कल अगर यह माफी भी मांगेंगे तो आजम खान और उनके परिवार ने जो परेशानियां सही हैं, वो दिन वापस नहीं लौटा सकते। यह वोट की ताकत से आए हैं और वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे। रामपुर के किले के मैदान में अखिलेश ने लखीमपुर कांड को याद करते हुए कहा कि इस सरकार ने किसानों को कुचला है। किसानों की एकजुटता के चलते पीएम मोदी को रातों रात माफी मांगनी पड़ी, काले कानून वापस लेने पड़े। आजम बोले, वर्दी वालों जनता तुमसे खौफजदा नहीं बल्कि मायूस है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रियासत काल के रामपुर में नवाबों के दौर पर जमकर कटाक्ष किए, नवाबों का दौर गुलामी का दौर बताया। आजम खान ने कहा, बेगुनाह बच्चे जेल में बंद हैं क्योंकि उनके नाम अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के नामों से नहीं मिलते। आजम खान ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्दी वालों यह तुमसे बहुत ज्यादा खौफजदा नहीं है बल्कि मायूस है। वजीरे आला बताएं भाजपा को गोकश प्यारे क्यों हैं? आजम ने कहा, सत्ताधारी पार्टी के स्टेज पर सिवाय गोकशों के कोई नजर नहीं आ रहा। जिन पर 50-50 मुकदमे हैं, पुलिस को मारने वाले आज सत्ताधारी पार्टी के मंच पर हैं। असल भाजपा वाले आज दरी बिछा रहे हैं। आज वजीरे आला तशरीफ लाने वाले हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, आज क्या हो गया भाजपा को? आज भाजपा को सबसे ज्यादा प्यारे गोकश क्यों हैं? रामपुर वालों, तुमने केंद्र और प्रदेश की सरकार को इतना डरा दिया कि सारी फौज यहाँ पर आ गई। चंद्रशेखर आजाद बोले, रामपुर में लोकतंत्र भावनाओं का हो रहा कत्ल। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, रामपुर में संविधान का, लोकतंत्र का और लोगों की जुड़ी भावनाओं का कत्ल हो रहा है। रामपुर से रेशमी रुमाल तहरीक चली थी और याद रखना कि जो अंग्रेजों का हाल हुआ था वही जवाब रामपुर से मिलेगा। आप डरा कर राज करना चाहते हो जबकि हम दिलों को जोड़कर राज करना चाहते हैं। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आ। बुरा ये है कि रामपुर में कत्ल जो है वो संविधान का, लोकतंत्र का और लोकतंत्र के साथ जो हमारी भावनाएं जुड़ी है उनका कत्ल किया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि रामपुर को यह अवसर जल्दी मिला, उन्हें सरकार को यह बताने का कि आपने हमें पिछली सरकार में सरकार ने क्या दिया। आज की सभा के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सदस्य अखिलेश यादव जी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और इनके बुरे मंसूबों के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, और यहां रामपुर किसान जिनकी मेहमान नवाजी, जिनके प्यार के लिए मैं आया हूं, जिनको मैंने लड़ते देखा, बड़े भाई कायदे रामपुर आजम खान साहब, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहां उपस्थित इस मंच पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, पूर्व एमपी, पूर्व एमएलए, वर्तमान एमपी, वर्तमान एमएलए, हेलो, आजाद समाज पार्टी के सीनियर पदाधिकारी, चंद्रशेखर, राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर पदाधिकारी, महादल के सीनियर पदाधिकारी, मेरे भाई स्वार से विधायक आजम खान, अब्दुल्ला आजम जी, और यहां के सम्मानित प्रत्याशी आसिम राजा साहब, मैं कल से यहां हूं।
और कल से जो मैंने यहाँ देखा उसके बाद मैं आपके साथ कहूंगा कि आपकी साजिशों से तो रामपुर नहीं हार रही है समाजवादी। अगर इससे ज्यादा ही कुछ करके दिखाना है सरकार के लिए तो एक काम करो, मिलकर चुनाव आयोग से कहो कि बीजेपी के दफ्तर से विधानसभा का सर्टिफिकेट जो है वो बीजेपी के काम भी बदले जाते हैं, सरकारें भी बदलती है और दिमाग भी ठीक होते हैं। ये भारत है, ये क्रांति की धरती है रामपुर। यहां इस भारत में, यहां रेशमी रुमाल तहरीक भी चली भारत में, उत्तर प्रदेश की सदनी से हमने सामना किया अंग्रेजों का हमारे बड़ों ने और जवाब दिया तुम अंग्रेजों से बुरे नहीं हो सकते और बुरे हो सकते तो याद रखना जो अंग्रेजों का इलाज हुआ था वही आपका होगा। इस सदनी में मेरा वादा है आप लोगों से। मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। हम सब लोग जानते हैं पुलिस सरकार की होती, जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है। पूरे बॉर्डर पे आजम भाई कहेंगे तो हम सोचो भी भाई इसलिए कह रहे हैं कि हालात खराब है। मैं कह रहा हूं मैंने सारी बातें कल सुनी, लेकिन कल पूरी दिन और रात में, पूरी रात हम लोग मिल रहे कार्यकर्ताओं से, सुबह से मिल रहे हैं, हर एक गली तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जो मंजर बताया जा रहा है उसके बाद में बात कह रहा हूं। झंडा गाड़ी देख के, नाम पूछ के, जाति पूछ के सड़क ब्लॉक करके रोक रहे हो, डरा के राज करना चाहते हो, दबा के राज करना चाहते हो, आप डरा के राज करना चाहते हो। ये आपका व्यवहार आपकी पितरों से आदर्श के लोगों की, बीजेपी के लोगों की, और हम दिलों को जोड़ के राज करना चाहते हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं, ये ताकत है हमारे। मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं अगर लड़ने का की हिम्मत है, जज्बा है, सामना करना चाहते हो, पूरी बीजेपी की सरकार यहां बनी हुई है तो करो सामना, जोर से कराओ फिर इलेक्शन। अगर तुम्हें एहसास ना हुआ कि मुकाबला किससे है तो तब बताना। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं जितने वोट ये लोग रोकने का काम करेंगे उससे ज्यादा वोट मेरे लोग हर बूथ पर डाल के आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना, ये बुनियादी बात सुन लो। झूठ बोलते हैं भाजपा के नेता, जितने वादे किए सब झूठे हैं, खोखले और डरी हुई है, इसलिए चुनाव का सामना नहीं कर रही। मैंने यहां भी देखा, मैंने पूछा आजम भाई से कि ये लोग क्यों चले गए तो वो चुप हो गए, कहे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो मैंने सोचा आम आवाम से पूछ लेते हैं, तो पता लगा कि जो भी कन्वेंशन के लिए निकलता है समाजवादी का झंडा पकड़ के रात में पूरी चली जाती है और कहती है क्या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना सुबह